ऐसी युवती की हुई अंधी हत्या के हत्यारे का पुलिस ने 12 घंटे में गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता करके बताया कि 12 घंटे से कम समय में ही आरोपी दीनू सिंह निवासी खटाई, जिसका पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिसने दिव्यांग आदिवासी लड़की के साथ बलात्कार करके हत्या की थी। आरोपी की जान पहचान की लड़की बताई जा रही है। आरोपी दीनू सिंह उर्फ दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। आदिवासी लड़की की बलात्कार के बाद आंख फोड़ने की घटना सरासर झूठी है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला। चीटी लगने की वजह से आंख में जख्म के निशान पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 12 घंटे से कम समय में इस अंधी हत्या का खुलासा करने पर सिंगरौली पुलिस को रीवा जोन आईजी उमेश जोगा सम्मानित भी करेंगे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंधी हत्या को सुलझाने में एफएसएल टीम सहित जिले के विभिन्न थानों के प्रभारियों की मदद ली गई, जिससे कामयाबी जल्द ही मिल गई है। गढ़वा थाने में सूचना आई थी कि थाना क्षेत्र का एक गांव है खटाई, वहां पर एक युवती की डेड बॉडी पड़ी थी। सूचना पर थाने का स्टाफ, थाना प्रभारी खटाई गांव पहुंचे और उन्हें घटना स्थल का मुआयना किया और प्रथम दृष्टया उन्हें जो मामला है वो हत्या का समझ में आया। उनके द्वारा सूचना दी गई। सूचना को गंभीरता से लेते हुए हमने डिस्ल एसपी और एसटीओपी तथा 5 थानों की हमारी टीम बना करके एफएसएल पार्टी, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट की टीम ने वहाँ रवाना की। जाके वहाँ पर गांव में कैंप किया गया और हमारी पूरी टीमें जो है सूचना संकलन में और जो भी उनको टास्क दिए गए थे उस कामों में लगी हुई थी। जो घटना के उपरांत जो जानकारी निकल के आई वो ये आई कि 22 वर्ष की युवती थी जो बोल नहीं पाती थी और वो 1 जनवरी को अपने घर से निकलती है टॉयलेट करने के लिए और इसी बीच एक पास में रहने वाला लड़का है वो उसको फॉलो करता है और जा कर के जो स्पॉट है घटना स्थल है वहाँ पर वो बच्चे के साथ में दुष्कर्म करता है। इसके बाद चूंकि वो लड़की उसको पहचानती है और इसको इस बात का भय था कि ये इसका नाम ओपन कर देगी, ऐसी स्थिति में जो दुपट्टा था उससे उसका गला जो है उसने स्ट्रैंगुलेट कर दिया। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुष्कर्म की और हत्या की बातें आई। कितने लोग शामिल थे सर, इसमें कौन कौन था? इसमें एक ही आरोपी आया है जिसका नाम दीनू सिंह है और खटाई गाँव का ही रहने वाला है। इसकी उम्र 28 साल है और पूर्व में भी इसके क्रिमिनल रिकॉर्ड रहे हैं, 2 बार चोरी में और 1 बार आर्म्स एक्ट के मामले में बंद हुआ। इसमें एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि कुछ एक लोगों में ये बात भी निकल करके आई थी कि उसका जो मृतका है बच्ची उसकी आँख निकाल ली गई है, लेकिन ऐसा कहना सही नहीं है। कुछ चीटियाँ जो है उसके आँख में लगी हुई थी और जो है इसकी वजह से उनके काटने से और थोड़ा सा आँख जो है उसका विद्रूपित दिख रही थी। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि आंखें उसकी नहीं निकाली। हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार वहाँ कैंप करके अथक प्रयासों से 12 घंटे से भी कम समय में इस पूरी चुनौती को निकालने में और आरोपी को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है हमारे द्वारा। और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए हमारे जो जोन के पुलिस महानिरीक्षक हैं उमेश जोगा साहब, उनके द्वारा पुरस्कृत करने की घोषणा। थैंक यू सर।